हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द पॉइंट थ्रू विच द वॉल मास ऑफ द बॉडी एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इस पोजीशन इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट मेंबर क्या है? तो पहले हम स्टील रोड के लिए देखेंगे। तो फॉर स्टील रोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इट मिडल पॉइंट। अब हम रेक्टेंगल के लिए जानेंगे कि रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है। तो रेक्टेंगल की तो डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का, जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो रेक्टेंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट। इसी तरह हम ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानेंगे। तो ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ क्या होती है, जहाँ उसका मीडियन इंटरसेक्ट होता है, ये जो लाइन है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ मीडियन उसका यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है तो हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी कहेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ट्राइंगल इज मीडियन इंटरसेक्ट। अब हम सेमी सर्कल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। तो सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द बेस से थोड़ा अबव होती है। वो कितना अबव होती है? 4r/3π जितना अबव होती है। यहाँ से देखें तो हम 4r/3π जितना अबव होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सेमी सर्कल इज 4r/3π फ्रॉम बेस मेजरेड फ्रॉम बेस मेजरेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। अब हम सेमी स्फीयर के लिए जानेंगे। पहले हमने सेमी सर्कल के लिए, अब हम हेमी स्फीयर के लिए जानेंगे। तो हेमी स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है? तो इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे 3r/8 कितने अबोव होती है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर के लिए 3r/8 जितनी अबोव होती है। तो 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस मेजरेड अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अब हम ट्रेपेजॉइडल के लिए जानेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है? तो वो बी बेस से थोड़ी ऊपर होती है और वो होती है h/3 2a+b / a+b डिस्टेंस मेजरेड फ्रॉम साइड बी ये बी साइड से h/3 2a+b और a+b जितनी अबो होती है। इसी तरह अब हम जानेंगे राइट सर्कुलर सॉलिड कौन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है। तो सॉलिड कौन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ये टोटल डिस्टेंस h है तो कहाँ पर होती है h/4 जितनी अबो होती है। वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे h/4 जितनी अबो होती है। डिस्टेंस ऑफ
एच बाय फोर फ्रॉम इट्स बेस, तो बेस से एच बाय फोर जितनी अबो होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।